अयोध्या में जब से प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान हुए तब से पूरे देश दुनिया की निगाहें धर्म नगरी अयोध्या पर टिकी हैं। हर कोई अयोध्या पहुंचकर 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद भव्य महल में प्रभु राम का दर्शन पूजन करना चाहता है। शायद यही वजह है कि 22 जनवरी के दिन के बाद से प्रतिदिन 2 से 3 लाख राम भक्त अयोध्या पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राम भक्त के अलावा देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपनी कैबिनेट के साथ प्रभु राम के दरबार पहुंचकर हाजिरी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों मध्य प्रदेश की सरकार ने रामलला के दरबार पहुंची मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने अयोध्या पहुंचकर प्रभु राम का दर्शन पूजन किया। जब से प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान हुए हैं तब से पूरे देश और दुनिया के लिए अयोध्या पहली पसंद बन गई है। हर कोई अयोध्या में अपना गेस्ट हाउस, धर्मशाला और अतिथि भवन बनाना चाहता है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश की सरकार भी यहां पर अतिथि भवन के अलावा सरयू घाट के समीप विक्रमादित्य घाट का निर्माण भी करवाएगी। इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव ने बताया कि अयोध्या जाकर मैं धन्य हो गया हूं। उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत हो रही है, जल्द ही अयोध्या में जमीन उपलब्ध होगा। वैसे ही मध्य प्रदेश से आने वाले भक्तों के लिए मध्य प्रदेश भवन का निर्माण किया जाएगा, जहां पर मध्य प्रदेश से आने वाले भक्त रात्रि विश्राम कर सकेंगे। इसके अलावा सरयू घाट के समीप सम्राट विक्रमादित्य के नाम से भी घाट बनाए जाएंगे। कई जन्मों के पुण्य के बाद अयोध्या में भगवान राम ने 22 जनवरी खास करके, ये तो अमर दिवस हुआ है, हम सबका सौभाग्य है। हम मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश का संबंध लगभग 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में आकर के यहाँ के भगवान राम के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। अयोध्या में काफ़ी विकास के काम कराए थे और 500 साल बाद फिर एक समय अच्छा आया है। भगवान गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या एक अलौकिक नगरी बनी है। हम सब परमात्मा की कृपा से प्रभु राम के चरणों में प्रणाम करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार आगामी समय में गरीबों के विकास के लिए काम करे, प्रभु से ये आशीर्वाद लेने आए। मेरी अपनी ओर से समूचे उत्तर प्रदेश वासियों को बधाई। अयोध्या का कैसा लग रहा आपको? अयोध्या आकर के तो कई जन्मों के पुण्य है, जब अयोध्या आता आदमी, अयोध्या मथुरा माया काशी कांचे अवंतिका पुरी द्वारा सप्ताहित मोक्ष नायका, ये तो मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी है। ऐसे में यहाँ आकर के जो आनंद आता है उसकी कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। हमने तो कहा कि माननीय अगर यहाँ के मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार चाहेगी, तो मध्य प्रदेश भवन बना करके हमारे अपने यात्रियों के लिए एक सुविधा भी बनाना चाहेंगे और सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर घाट भी बनाना चाहेंगे।